देखा यार आप लोगों ने अभी वो नीचे वाली जो रोड है वो उस तरफ से कम आधा किलोमीटर से बहुत ही डेंजरस रोड है भाई साहब। मतलब अगर आपने गलती से ब्रेक मार दिया, सही बताओ यार, जब भी ऐसे पुल से गुजर रहा हूँ ना थोड़ा सा डर तो लग रहा है क्योंकि पता नहीं है यार इनकी मेंटेनेंस होती भी है कि नहीं होती। पर चलो ये भी ना एक एक्सपीरियंस जो है ना यार, ये बता तो रहा हूँ, ये घर पे बैठ के नहीं मिलने वाला ये एक्सपीरियंस। इसके लिए यार आपको थोड़ा सा जिगरा दिखाना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। और मैं सामने दिखाता हूँ आपको यार, मुझे नीली मुर्गी दिखी है तो नीली मुर्गी भी दिखाते हैं जी आपको। इस लोकेशन पे जो कैंपिंग करने का मज़ा है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो मज़ा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये देखो जी सामने, देख रहे हो जी इस तरफ बहुत बढ़िया। हाँ जी, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे गाइस। तो आज तारीख है यार 30 जून 2024। अभी हूँ यार मैं धारचूला में और अपना यार गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल भरवा दिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं यार दारमा वैली और पंचाचुली, जो कि यार यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर्स के आसपास है। पहले यार हम लोग जाने वाले थे आदि कैलाश यात्रा के लिए, लेकिन यार पिछले वाले ब्लॉग में आपने देख लिया हो कि हम लोग क्यों नहीं जा पाए। तो हमने सोचा यहाँ तक आए तो एटलीस्ट हम लोग यार दारमा वैली और पंचाचुली तो जा ही सकते हैं। बाकी बने रहो वीडियो में यार, तो चैनल पे नया फ्रॉम जाके यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो जी, टाइम हो चुका है 1:36 और अभी हम निकल चुके हैं यार निकाल पानी से सीधा अभी धारचूला वाली रोड पे। रोड की हालत जो है वो थोड़ी सी यार आप देख ही रहे हो कैसी हो रखी है। तो चलो यार यहीं से अभी हम लोग निकलेंगे सीधा अपना पंचाचुली दारमा वैली। और यार आपको बता दूं यार, ये जर्नी जो है ना ये बहुत एडवेंचरस रहने वाली है। आपको सही बता दूं यार कि वो ऐसी जगह है ना जो अभी तक बहुत कम एक्सप्लोर हुई है और बहुत कम लोगों को भी पता है, क्योंकि यार धारचूला तक भी ना बहुत ही कम लोग आते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं भाई साहब। ये जो जगह है इसको बोलते हैं सर्वत्र चौक। ये जो रोड जा रही है ये जा रही है धारचूला के लिए और हमें निकलना है जी अपनी इस वाली रोड पे। तो आज की जर्नी हो चुकी है यार स्टार्ट। बाकी यार सही बताऊं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस वाली जगह के लिए, क्योंकि यार अभी यहाँ पे ना बहुत कम लोग आते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको ऐसी जगह एक्सप्लोर करवाई जाए कि जहाँ पे यार लोगों अभी तक बहुत कम गए हैं। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि यार आपको ना मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि रोड कंडीशन कैसी है, कैसे आपको आना है और क्या कहाँ पर आप लोग रह सकते हो, स्टे कहाँ कर सकते हो, कितना खर्चा आने वाला है। यार देखो जैसा कि आपको मैं अभी बात कर ही रहा था कि यार यहाँ पे जो है ना अभी रोड्स वगैरह का काम भी चल रहा है। और देखो जी भाई भाई साहब बारिश वाला मौसम है, बारिश वाले मौसम में पता है एक दिक्कत सबसे बड़ी मुझे यही लगती है कि यार हम गाड़ी को ना चला कहीं और देते हैं और टायर स्किड होके कहीं और चला जाता है। ये देखो ये सामने देखो आप लोग, बिल्कुल यार बहुत डेंजरस रोड है यार, देख रहे हो जी। मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि यहाँ से आगे गाड़ी जा पाएगी यार, क्योंकि नीचे लगने की टेंशन है अपने को गाड़ी की, और गाड़ी अगर नीचे लगी तो भाई साहब फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। देखो जी आप लोग यार, ये देखो यार रोड देखो, खतरनाक रोड है साहब। ये देखो जी यार पूरा यहाँ पे ना अभी काम वगैरह चल रहा है रोड वगैरह का। यार देखो यहाँ पे जाम वगैरह, मुझे तो लगन था कि यहाँ पे जाम वगैरह भी लगता होगा, बट देखो जी यार आप लोग ये देखो ऊपर से गाड़ियाँ वगैरह आए जा रही हैं, इस तरफ भी देखो यार ट्रक वगैरह खड़े हो रखे हैं। और अब हमें चलना है जी यहाँ से आगे। ये देखो ये ना रोड का काम चल ही रहा है, लेकिन पता होता क्या यार कि इस रोड को बनने में ना अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी वाली जगह है और कहीं पर भी ना आपको पता है कि थोड़ा सा भी बरसात होती है कुछ होता है तो वहाँ पर यार पूरा का पूरा जो है लैंडस्लाइड होने का पूरा पूरा खतरा रहता है भाई साहब। ये देखो जी इस तरफ देखो, यहाँ पे जो अपना क्रेशर होता है ना उस टाइप का बना हुआ है, और इस तरफ आई थिंक मेरे ख्याल से जो मिक्सचर बनता होगा रोड के लिए वो बनाते होंगे, रोडी का और तारकोल से जो बनता है रोड आप देख ही रहे हो सामने। इसलिए मैं आपको कहता हूं यार कि आप लोग कम क्यों आते हैं, रीज़न वही है। बाकी हम भी यार थोड़ी सी हिम्मत करके चल रहे हैं और डर सच होता हूँ लग ही रहा है। देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, डर नहीं लग रहा, देखो डर सबको लगता है भाई साहब। चलो जी टाइम हो गया 2:23। सामने आप देखो भाई साहब क्या जबरदस्त वाला जो है ना वाटरफॉल आ रहा है, और आप इसी से आइडिया लगा सकते हो यार कि ये जो वाटरफॉल में जो पानी है ना वो इतना ज्यादा है तो समझो ऊपर कितनी बारिश हो रही होगी। ये देखो जी ये देखो गजब भाई साहब, नेक्स्ट लेवल वाला। हो
गया है 2:38 और यहाँ से जो है दारमा वैली वो है कुछ 58 किलोमीटर, यानी कि यार हम लोग करीब 20 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी आप देखोगे यार उस तरफ जो है काम चल रहा है भाई साहब, और जिस वजह से अभी हमको रुकना पड़ गया है। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है, और अब इस चीज़ के लिए हम लोग ना पहले से ही रेडी थे, क्योंकि हमें पता था पहले से ही यार कि जो रास्ता है ना उसमें जगह जगह अभी काम वगैरह चल ही रहा होगा। ये देखो जी आप लोग इस तरीके की रोड्स हैं, देखो एक ट्रक खड़ा है इधर, एक भाई की गाड़ी खड़ी है, और इस तरफ एक हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी है, वो सामने जो है क्रेन का भी काम वगैरह चल रहा है, और बगल में आपकी जो बैठी है नदी है जी, काली नदी भाई साहब। आपको कह रहा था कि ये रोड जो है ना काफी डेंजरस रोड है यार, ये देखो बिल्कुल, मतलब अगर थोड़ा सा भी आपका ध्यान हटा नहीं और कि बस आपका सीधा थैंक यू, बगल में ही बिल्कुल यार नदी बह रही है काली, जो काली नदी है ये देखो बिल्कुल इस तरफ से दिख जाएगी आपको, और कैसे पहाड़ों को काट काट के रोडें बनाई हुई है। और एक चीज है यार कि मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना जो लोकल गाड़ी या टैक्सी चलती भाई साहब, इन लोगों को ना बिल्कुल भी वो नहीं है, ये पीछे से बस हॉर्न मारते जाएंगे और खुद तो मतलब एकदम रफ्तार से निकलेंगे, ऐसे कि मतलब कई बार तो ऐसा लग रहा है कि कोई ठोक ही ना दे यार, सही में बस ये चीज़ है यार, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। इनको क्या है ना कि अभी सीजन वाला टाइम है थोड़ा सा, तो ये लोग क्या करते हैं फटाफट से बस कि जल्दी जल्दी जाके एक दूसरा चक्कर मार देंगे, तो इस वजह से। बाकी आप दो रोड देखो यार, मेरे को तो सही बता रहा हूँ, मतलब ये अभी तक की सबसे जो डेंजरस वाली रोड होगी ना उस पर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, देखो मेरे हिसाब से तो मतलब जब मैंने अभी तक इससे ज़्यादा डेंजरस रोड पे ड्राइव नहीं करी, आप लोगों ने भी देखा ही होगा वीडियोस वगैरह में, आप लोग भी बताना मेरे को कमेंट करके यार आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा डेंजरस लगी, ये लगी या निलोंग वैली लगी या बिजली महादेव वाली रोड लगी या कहाँ लगी। राइट वाली जो रोड है ना ये जा रही है आदि कैलाश के लिए इस तरफ से, और ये रोड जा रही है यार दरमा वैली के लिए। चलो टाइम हो गया 2:51 और ये जगह जो है इसको कहते हैं जी तवा घाट, इस तरफ से राइट हैंड साइड में जो रोड जा रही है वो जा रही है जी आदि क्लास के लिए, लेकिन आपको मैंने बताया था यार कि वो उस रोड पे जाने देंगे नहीं, आगे ही आपको वापस भेज देंगे, क्योंकि यार वहाँ की परमिशन जो है अब रह नहीं गई है। और ये वाली जो रोड है ये जा रही है जी दारमा वैली, जहाँ पे कि हम लोग जा रहे हैं। रोड आप लोग देखो यार, अभी हमने ना पीछे हमें मिली थी ये गाड़ी, तो उन्होंने बताया था यार कि जो दारमा वैली है उसकी रोड जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब है, बट देखो यार जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे जी, जहाँ लगेगा कि अब नहीं जा सकते वहीं से गाड़ी में वो मोड़ेंगे वापस आ जाएंगे, बट कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि पूरा भाई साहब दरमा वैली तक पहुँचा जाए, आपको दरमा वैली एक्सप्लोर करवाई जाए। टाइम हो गया यार 3:14 और अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ यार अपना 30 किलोमीटर के आसपास, यहां से जो है दारमा वैली कुछ 50 किलोमीटर के आसपास ही है। और यार जिस जगह पे अभी हम लोग रुके हुए हैं इस जगह का नाम है छिलकुला, और यहां पे हम क्यों रुके हैं जी ये देखो जी, क्योंकि यार यहां पे है पीने का पानी, ये देखो बहुत ठंडा ठंडा पानी है, यहाँ से यार अपनी जो पानी की बोटल्स वगैरह होगी वो भर लेंगे, क्योंकि यार आगे पता नहीं पानी मिले ना मिले, जब सामने पानी मिल रहा है तो यार 5-6 बोटल हमारे पास वो भर लेते हैं। और बाकी यार मैंने भी पानी पिया थोड़ा सा, हाथ मुँह धुला है, तो यार गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है यार, पता नहीं क्या ही हो गया, यहाँ तक ना गर्मी है, हवा तो चल ही नहीं रही बिल्कुल भी। और इस तरफ आपको दिखाऊं सामने की तरफ, तो यार जो धौली गंगा पावर स्टेशन जो है ना वो यही है, जो झील बनी हुई है धौली गंगा वाली वो ये है जी इस तरफ से, और यार ये जगह भी ना काफ़ी ब्यूटीफुल सी है। वो ऊपर की तरफ आप देखोगे ना कैमरे में तो मुश्किल ही दिखाई देगा, क्योंकि यार सनलाइट जो है बिल्कुल सामने से पड़ रही है, तो उस तरफ जो है पूरे वहाँ पर भी गाँव वगैरह है काफ़ी सारे। यहाँ से यार एक कुछ जगह का नाम तो नहीं पता, बट यहाँ से नारायण आश्रम है कुछ 29 किलोमीटर्स, और हमें अपनी जो है नीचे वाली रोड पे ही रहना है जी, चलते रहेंगे। और वो ऊपर सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा यार, अब जो है ना मौसम थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है, क्योंकि यार अभी तक तो बहुत गर्मी लग रही थी, बट यहाँ पर आके ना थोड़ी सी हवा तो है ठंडी हो गई है, हल्की सी ठंडी हो गई है, बाकी ऊपर तो यार बादल से लगे पड़े हैं, तो लगता है यार वहाँ पर तो बारिश वगैरह कुछ हो रही होगी।
देखो जी, यहाँ से जो काला पानी है राइट हो गया, चल जाओगे आप 110 किलोमीटर पंचाचुली सीधा जाना है, 38 किलोमीटर नारायण आश्रम भी यहाँ से राइट है, और सोबला भी जो है 5 किलोमीटर राइट है। तो यानी कि यार हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है, हमें कहीं राइट वगैरह कहीं मुड़ना नहीं है। बाकी देखो यार रोड तो सही में यार ख़राब है भाई साहब, बहुत ख़राब है रोड। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। इधर एक मंदिर है माता जी का, गढ़देवी, जय माँ गढ़देवी। चलो जी चलते रहेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है यार, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम आराम से निकल। अभी हम लोग पहुंचे हैं एक जगह पे, इस जगह का नाम है कंचौती, और पीछे आप देख रहे हो जी वाटरफॉल, देखो आप लोग, ओहो हो गजब का वाटरफॉल है। ए देखो जी यार नेक्स्ट लेवल वाटरफॉल है कंचौती का, इस तरफ से, और कुछ एक छोटा सा टाउन है यहाँ पे, कोई ज़्यादा तो नहीं पड़ा बट ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ खाने वाने की चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी। इस तरफ यार अपने आशीष भाई वगैरह जो फोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं। ए देखो जी यार बगल में जा रही है जी नदी। तो यार कंचौती में आपको जो है थोड़ा बहुत, अगर आप लोग जैसे चाय वगैरह या हल्का फुल्का कुछ खाना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा, दो तीन दुकानें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ से जो अभी डिस्टेंस रहने वाली है यार दारमा वैली की, वो कुछ रहने वाली है 45 किलोमीटर। सब्सक्राइब कर दो जी, आ जाओ आ जाओ। टाइम हो गया है 4:07 और हम पहुंच चुके हैं यार सोबला में। यहाँ पे भी आपको यार थोड़ी चाय पानी वगैरह और रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी, लेकिन भाई साहब वो होगी नदी के उस पार, उस तरफ देखो आप, उस तरफ से छोटे छोटे से घर से बने हुए ना, तो उस तरफ ही आपकी रुकने की व्यवस्था होगी। और चार्जेस का तो पता नहीं यार, क्योंकि हम लोगों ने पूछा भी नहीं है किसी से, और जब रुकना नहीं है यार यहाँ पे तो चार्जेस पूछ के करना भी क्या है। आप लोग यार गजब नज़ारे तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। और एक पुल दिखा दिया कि इसमें जो है ना यार एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी जाएगी। सही बताओ यार जब भी ऐसे पुल से गुजर रहा हूँ ना थोड़ा सा डर तो लग रहा है, क्योंकि पता नहीं है यार इनकी मेंटेनेंस होती भी है कि नहीं होती, पर ठीक है यार हम लोगों को तो लगेगा ही डर, क्योंकि हम लोग यार ऐसी जगह पर पहली बार ही आते, तो पहली बार का एक्सपीरियंस आपको बताइए। बट ठीक है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको तो पता ही है यार, उनको आदत हो जाती है। पर चलो ये भी ना एक एक्सपीरियंस जो है ना यार, ये बता तो रहा हूँ ये घर पे बैठ के नहीं मिलने वाला ये एक्सपीरियंस, इसके लिए यार आपको थोड़ा सा जिगरा दिखाना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही जाके यार ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऊपर देखो आप लोग, ओहो क्या ज़बरदस्त नज़ारे आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो यार ये जो सामने आ गए ना, यहाँ से गाड़ी को निकालना थोड़ा सा टफ है। देख रहे हो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त वाला जिगरा चाहिए आपको गाड़ी चलाने के लिए ऐसी रोडों पे, और साथ में यार बताऊँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा रिस्क है जी। यार आप लोगों ने अभी वो नीचे वाली जो रोड है वो उस तरफ से ना कम से कम आधा किलोमीटर से बहुत ही डेंजरस रोड है भाई साहब, मतलब अगर आपने गलती से ब्रेक मार दिया फिर तो आपकी गाड़ी वहाँ पे फंस गई, मतलब आप वहाँ से निकाल ही नहीं सकते हो फिर तो। यार इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी आओगे ना तो यार वही लेके आना गाड़ी पहाड़ों में, जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, और अकेले तो बिल्कुल मत आ जाना भाई साहब, कम से कम 2 से 3 लोग होने चाहिए, क्योंकि यार अगर कहीं पे स्टक भी होगे ना अकेले रहोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बट 2-3 लोग साथ में रहते तो थोड़ा सा हिम्मत रहती है भाई। टाइम हो गया यार 5:24 और हम पहुंच चुके हैं अभी उर्थिंग में, और यहाँ पर यार अभी थोड़ा चाय वाय पीते हैं, क्योंकि यार अभी सच बताऊँ पूरी बैंड बच चुकी है, इतना खतरनाक इतना गंदा रास्ता है ना मत बताऊँ यार। दारमा वैली जो है यहाँ से अभी 25 किलोमीटर दूर है, और सच बताऊँ यार ऐसा लग रहा है ना कि बस चले जा रहे हैं, रास्ता बढ़े जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। आपको चाय वाय वगैरह मिल जाएगी, वो देखो जी पहाड़ देखो सामने वाले भाई साहब, देख रहे हो इस तरफ भी कुछ ऐसा ही है,
ये देखो जी ऊपर तक देख लो जी, और खतरनाक। और ना सामने दिखाता हूँ आपको यार, मुझे नीली मुर्गी दिखी है, तो नीली मुर्गी भी दिखाते हैं जी आपको। कुछ मुर्गियाँ हैं ना ये नीली हो रखी है। आ जाओ आ जा, ले ये देखो जी उस तरफ का मौसम देख रहे हो ऊपर का आप लोग क्या। ले कुछ तो कुछ ऐसा मौसम है यार, मौसम कुछ मौसम तो यार अभी काफ़ी ठीक है, मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही और गर्मी तो नहीं है सच बताऊँ। मतलब जैसे अभी हम लोग नीचे देख रहे थे ना, तो नीचे काफ़ी यार गर्मी सी लग रही थी। एक भाई मिला यार, भाई की जो बाइक है बाइक में हवा हो गई है ख़त्म, तो अपना यार इन्फ्लेटर पड़ा है मेरे पास में, देता हूँ भाई को। भैया जी यार गाड़ी में जो अभी हवा भर रहे हैं जी, तो यार इसलिए कहता हूँ जब भी आप कोई लॉन्ग ट्रिप वगैरह पर निकलते हो तो अपने पास यार सारा सामान होना चाहिए, लाइक इन्फ्लेटर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ है ना, ये होनी ही चाहिए। अगर आपके काम ना भी आए तो यार बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको ऐसी लोकेशंस पे कि जहाँ पे यार ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती नहीं है, तो किसी और का ही काम आ जाएगा। तो यार अभी जो भाई लोगों की आपने बाइक देखी होगी यार, तो वो हमें मना करते कि अपनी गाड़ी लेके आप ऊपर मत जाना, क्योंकि यार ऊपर ना उनकी बाइक तक टूट गई है और वो चार पाँच लोग थे तो उठा के लेके आए, तो अपनी गाड़ी तो फंस जाएगी बोला ऊपर, क्योंकि एक जगह में नाला आ रहा है पूरा। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया यार कि उर्थिंग में ही अपना कैंप वैम्प लगाएंगे आज बढ़िया से, पीछे की तरफ इस तरफ पीछे अपना कैंप लग जाएगा बढ़िया वाला। और खाने वाने की दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि यार खाने वाने के लिए पीछे अपने भैजी हैं, भैजी की दुकान है यहाँ बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अपनी गाड़ी भी जो है ना ऊपर तक चली जाएगी, थोड़ी देर में कैंप लगाएंगे अभी जब बातें कर रहे हैं भैजी के साथ में। बाकी यार आपको कैंपिंग का भी दिखाऊंगा यार, क्योंकि इस लोकेशन पर जो कैंपिंग करने का मज़ा है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ वो मज़ा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये देखो जी सामने देख रहे हो जी, इस तरफ बहुत बढ़िया नज़ारे, इस तरफ देखो बहुत बढ़िया नज़ारे, इस तरफ लकड़ी लगी हुई है, और ये दादी हैं देखो सामने, दादी हैं ये, दादी है ये दादी है यार। दादी का नाम क्या है? मनसती से लाल। क्या नाम है? मनसती से लाल। अच्छा देखो जी तो ये होटल जो है ये दादी का ही है होटल पूरा, और वो सामने अपने भैजी बैठे हैं देखो, आशीष भाई और शिवांशु जी उनके साथ बात कर रहे हैं। तो ये है अपने भैजी, भैजी का नाम क्या है? मेरा मोहन सिपाल। मोहन सिपाल भैजी यार ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब सही बताऊँ आपको ना, इतने हेल्पफुल लोग होते ना अपने पहाड़ी भाई जो इतने भी होते ना भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अपने भाई यार इतने हेल्पफुल है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी उन्होंने हमें बताई जगह भी कि यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे आप लोग जाके कैंपिंग कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यार यहाँ पे रहने वहने की व्यवस्था ना थोड़ी सी आपको बताइए कि ऐसी जगह पर मिलना मुश्किल होता है। पीछे रूम भी था लेकिन यार आप एक्चुअली हम लोगों का क्या है ना कि हम लोग कैंपिंग वैम्पिंग लेके चलते हैं और ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पे यार कैंपिंग करने को मिल जाए बहुत बढ़िया सा। चलो जी जो अभी आपको मैंने बता रहा था ना टेंट के लिए, तो यार यहाँ पे रोड बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, चलते हैं हम लोग यहाँ से बढ़िया अपना ऊपर की तरफ लगा लेंगे जी टेंट वगैरह जबरदस्त तरीके से। क्या है जी लोकेशन देखो जी, वो सामने देख रहे हो भाई साहब क्या मौसम हो रहा है। वैसे अभी जो नीचे वो दादी से मिली थी हमें, दादी बता रही थी कि अभी आप लोग अपना कैंप वगैरह लगाना चाहते हो तो अभी लगा लो, बोला कि थोड़ी देर में वरना बारिश वगैरह आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो यार अपना क्या है कि गाड़ी भी लगा लेंगे और गाड़ी के बिल्कुल पास में लग जाएगा जी अपना बढ़िया सा टेंट। फाइनली यार लग चुका अपना बढ़िया सा टेंट। ये देखो जी अपनी गाड़ी भी बिल्कुल पास में ही खड़ी है और ये नज़ारा देखो आप लोग बिल्कुल भाई साहब वहाँ देख रहे हो। अभी अभी बिल्कुल वहाँ पे ना फॉगी फॉगी सा मौसम हो गया और इस तरफ देखो आप लोग, और ये देखो जी भाई साहब पहाड़ देखो कितना बड़ा पहाड़ है, इस तरफ भी वो सामने की तरफ आप देख रहे हो नदी बह रही है और इस तरफ भी देखो कितना बड़ा ऊँचा पहाड़ है। तो यार ऐसी जगहों पर ना कैंपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। टाइम हो चुका है 10 बजे का और पता क्या हो रहा है, आपको आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी भाई साहब बाहर ना बारिश लग गई है बहुत तेज, और जिसकी वजह से हमारा टेंट जो है ना वो आज तो हो गया जी फेल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश गिरती है ना वो नॉर्मल नीचे जो बारिश गिरती है उससे बहुत तगड़ी बारिश गिरती है, तो टेंट तो हो गया हमारा फेल। और अभी देखो इतने थके पड़े हैं ना ड्राइव कर करके, आँखें भी ऐसी मतलब क्या बताऊँ ऐसी हो गई ना। तो यार हमने फिर लास्ट में क्या किया है ये देखो जी, इस टाइप का रूम मिला है हम लोगों को, इसमें लाइट लगी हुई है, वो सोलर लाइट है, आशीष भाई वगैरह उस तरफ है, एक बेड उस तरफ लगा हुआ है और एक बेड लगा हुआ जी इस तरफ। चलो गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय टाटा टेक केयर, जय श्री राम, हरे हरे महादेव।